हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन को बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर जो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो आपका एंड्रॉइड फ़ोन बहुत ही अच्छा लगने लगेगा और आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर कोई भी काम आसानी से और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आपको साइड बार के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर फेसबुक या फिर कोई दूसरी एप्लीकेशन या फिर कुछ ब्राउज कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको जल्दी से अगर कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसके लिए हमें होम की दबा करके बाहर आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर जो आप यहीं से अगर जो सामने से अगर जो क्लिक करके और यहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस को अगर जो एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं और आपका काम आसानी से बहुत ही जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कई सारी सेटिंग्स हमारे सामने हैं और अगर जो किसी को कॉल करना है तो हमारे सामने यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। दोस्तों, अगर जो आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर ये सब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहें। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगर जो आपने अभी तक हमारा कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहां पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन इस पर क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर एंड्रॉइड, व्हाट्सएप, फेसबुक, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेट बैंकिंग, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड की गई हैं। आप इन्हें देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के साथ और शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने एंड्रॉइड फोन पर एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। तो इसके लिए ओपन कर लेता हूं मैं अपना गूगल प्ले स्टोर और अब इसके ओपन होते ही हमें यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है साइड बार। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे सामने यहाँ पर एक एप्लीकेशन नज़र आ रही है जिसका आइकन हमें यहाँ पर एक रिंग के जैसे दिखाई दे रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, साइड बार की आपको कई सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे बेस्ट मुझे लगी वो उसके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों, ये एप्लीकेशन है, इसका साइज़ सिर्फ 2 MB है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ओपन इस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद हमें यहाँ पर गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे सामने यहाँ पर कुछ सेटिंग्स के लिए आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर दो फॉर्मेट हैं, एक है साइड बार विद 3 panels। ये जो साइड बार है इसमें हमें 3 panel मिल जाते हैं और जो ये दूसरा है इसमें सिर्फ हमें एक ही पैनल मिलता है। दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले हमें जो ये साइड बार है इसको टर्न ऑन करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपके एंड्रॉइड फ़ोन पर ये करंट परमिशंस मांगे तो आप उसको ऑन कर लेना। मेरे एंड्रॉइड फ़ोन पर ऐसी कोई परमिशन नहीं मांग रहा है। दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने जो यहाँ पर जो दो साइड बार हैं इसमें से हमें कौन सा चूज़ करना है उसको हम चूज कर लेंगे। दोस्तों, मैं इसी को चूज कर लेता हूं। दोस्तों, अगर जो आप ये चूज करना चाहते हैं तो इसको चूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इसी को रहने देता हूं। और इसके बाद है हमारे सामने सेटिंग्स, हम इस पर सेटिंग्स इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे सामने यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं। इसके बाद है ऐड फेवरेट ऐप्स, ऐड फेवरेट कॉन्टैक्ट्स। तो दोस्तों, इस तरह से हमें यहाँ पर कुछ ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने जो फेवरेट ऐप्स हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फिलहाल ले लेता हूँ। और इस तरह से हम यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर जो अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ले लेना है, तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। इसके बाद मैं बाहर आ जाता हूँ। दोस्तों, इसके बाद है बैकग्राउंड, तो हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद है ब्लर बैकग्राउंड। दोस्तों, यहाँ पर जो हम इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो हमें यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड दिखने वाला है वो कैसे दिखना चाहिए वो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर जो आप ब्लर चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे और अगर जो हमें ब्लर नहीं चाहिए तो हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिलहाल इसको इतना रहने देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ। दोस्तों, इसके बाद है ऐप बैकग्राउंड, तो यहाँ से हम एप्लीकेशन का जो हमारे जो ऐप हैं उनका बैकग्राउंड यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इसको यहाँ पर रहने देता हूँ। और इसके बाद है आइकन सेटिंग्स, अगर जो हमें अपने आइकन्स की सेटिंग्स करनी है तो यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, तो मैं फिलहाल इसको यहीं पर रहने देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, ये सब सेटिंग्स करने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें इसको यूज करना है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर अपना
यूट्यूब ओपन किया हुआ है और साथ ही साथ अगर जो हमें इन एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे सामने यहाँ पर 3 डॉट्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो हमें इस पर क्लिक करना है। दोस्तों इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो फेवरेट एप्स रखी थी वो सब के सब हमें यहाँ पर दिख रही हैं। हमें यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करके हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर जो हमें यहाँ पर अगर जो किसी कॉन्टैक्ट को अगर जो कॉल करना है, किसी को कॉल करना है, तो हम यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी जो नोटिफिकेशन में जो सेटिंग्स होती हैं वो सब की सब सेटिंग्स हमें यहाँ पर दिख रही हैं, तो हम इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप सीख चुके हैं कि किस तरह से हम अपने एंड्रॉइड फ़ोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर साइड बार लगा सकते हैं। दोस्तों अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जिससे कि हमारा हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों अगर जो आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। तो दोस्तों कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के साथ और सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। थैंक्स।